सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की फाइनली लिस्टें जारी कर दी गई है और पीजी एग्जामिनेशन की लिस्टें आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। ऐसा क्या हुआ आखिरकार, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बढ़िया ये क्या चीज़ है, वो ये है कि जो हम जो हमारा जो टॉप जो कॉलेज है, जैसे BHU JNU का पोर्टल आई थिंक 10 अक्टूबर को जो ओपन हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ये जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहाँ पे आके अप्लाई कर दिया और उनके अलॉटमेंट भी आ चुके हैं। अब उन बच्चों को मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, वो लेना चाहते हैं यार जो टॉप जो जस्ट लाइक NCR के कॉलेजों में एडमिशन, राइट। ऐसा ही सेम प्रोसेस UG वाले बच्चों के साथ हुआ, टॉप जो जिनके बहुत अच्छे 99% मार्क्स थे वो आके बैठ गए थे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो जस्ट UG वालों में क्या हुआ, क्या सीन है आपको पता है, UG की सारी के सारी ऑलमोस्ट सीटें अभी ब्लैंक पड़ी है, भरी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को दोबारा अलॉटमेंट करना पड़ा। यही सेम प्रोसेस PG में होने वाला है। जिन भी बच्चों को अलॉट नहीं हुई है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपका अलॉटमेंट आएगा, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। जैसे आपको वेट करना है थोड़ा सा, ओके, सो जस्ट यू कैन वेट नाउ। और जैसे ही और आप सारी की सारी लिस्टें वगैरह चेक कर सकते हो, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है एडमिशन के अंदर या फिर जिनके एवरेज मार्क्स है, उनको लगता है कि उनका BHU DU वगैरह में नहीं हो पाएगा, ठीक है, आई एम सो सॉरी बट DU तो DU ET लेता ना, ठीक है। तो एक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वहाँ पे फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन वगैरह का जल्दी डिसाइड कर दिया जाएगा कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन कब होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिए गाइस, ठीक है। थैंक यू।